YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाए प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। चैंबर को बखूबी ढंग से सजाया जा रहा है, वहीं तरफ नगर पालिका में पसरी गंदगी बयां करती है कि नगर पालिका की हालात क्या है। ये जो गंदगी पसरी है इस बार कह सकते हैं नगर पालिका के कार्यालय में आप देख सकते हैं किस तरह से बेतरतीब ढंग से सभी कुछ रखे गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से दरवाजा बिना ताला चाबी के वह टूटे हुए हैं। आप हम चाहेंगे उधर दिखाइए किस तरह से जो है ये देखिए फेंका हुआ है कपड़ा और साथ ही साथ ये फर्शों पर पसरी गंदगी ये बयां करती है कि नगर पालिका की हालात क्या है। आइए दिखाते हैं ये दरवाजा है आप सभा का। इस दरवाजे के हालात देख लीजिए आपको अंदाज लग जाएगा कि ये दरवाजे की हालात क्या है। साथ ही साथ आगे चलकर अगर देखते हैं कि ये पसरी गंदगी साबित करता है कि यहाँ के हालात क्या है। आप ये देखिए इसके भी दरवाजे की हालात क्या है। आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो है दीवार पर दरार आ चुके हैं और साथ ही साथ ये जो तमाम जो है बेतरतीब ढंग से इस तरह से रखा गया है। और साथ ये बता दें कि इस पूरे नगर पालिका को एक तरफ जहाँ लोग तमाम जो है वार्ड पार्षद प्रत्याशियों का इंतजार कर रही है मेयर और डिप्टी मेयर के पद का लोग जो चुनाव जीतने वाले यहाँ आएंगे वो पसरी गंदगी उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप यहाँ पर दिखा दें ये जो है साथ में शौचालय बनाया गया है। आप तमाम कैमरा मैन से चाहेंगे देखिए शौचालय के हालात यहाँ ये शौचालय की हालात है और ये पसरी गंदगी और इस पूरे शौचालय की स्थिति पद से पत्थर कर सकते हैं। और ये जो स्थिति है तमाम यहाँ में स्विच बोर्ड हो गए हैं पानी नहीं के बराबर है। ये देखिए इस तरह से ये बना हुआ है और ये पानी नहीं और साथ ही साथ आप देखिए क्या है स्थिति। इस तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से हालात बद से बदतर है और ये इंतजार है नए नगर निगम की और यहाँ पर अधिकारियों की जिस तरह से सफाई है उसमें यही कहा जा सकता है कि जिस सपने को लेकर के लोग यहाँ आएंगे क्या उनका सपना हकीकत बन पाएगा ये देखना काफी होगी क्योंकि जो यहाँ पर स्थिति है जिस तरह से हालात है वो स्थिति आने वाले के लिए आने वाले तमाम वार्ड पार्षद प्रत्याशियों डिप्टी मेयर और मेयर के लिए चुनौती होगा। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा सिटी न्यूज नगर निगम कार्यालय टाटनगर।